सहाफिया बल्कीस, क्योंकि हम रखते हैं अंदर की खबर पर नजर। खबर आई है कि लाहौर में वजीर आजम खुद गाड़ी चलाकर मंसूरा गए। क्या वजह है? क्या ड्राइवर हड़ताल पर था? जी अली जान, हेलो अली जान। नाजरीन, मेरा ख्याल है कि हमारा राब्ता अली जान से नहीं हो रहा। अली जान, क्या आप हमारी आवाज सुन रहे हैं? जी 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 बल्कीस, असल में कोई फनी खराबी थी। फनी? अच्छा, मुझे भी बताइए ताकि मैं भी हंसूं। टेक्निकल फॉल्ट बीबी, टेक्निकल फॉल्ट, पूछें। वजीर आजम ने क्रिकेट टीम के इस्तकबाले से खिताब करते हुए ये क्यों कहा था कि आज वो कौम के हीरोज से मुखातिब हैं? इसलिए कि इससे पहले वो सिर्फ काबीना के लोगों से मुखातिब होते रहे हैं ना। भाई हुस्न, वो कहाँ है तुम्हारे मिस दुनिया? आ जाती हैं। आपका क्या फ्लाइट का टाइम हो रहा है? क्या मतलब इन्हें रॉयल्टी नहीं मिलेगी इस मुल्क में? क्या बात कर रही हैं आप मादाम? ये अपने फैज साहब, फराज साहब, कासमी साहब, ये सब हजरात 10% रॉयल्टी पे जिंदा रहे उम्र भर। परवीन चाकर का कलाम तो यूं ही छापे चले जा रहे हैं लोग। भाई जिसके पास राइट्स हैं वो भी बेबस है। चांदी तो उन लोगों की है जो ये गाइडें छाप रहे हैं, गैस पेपर छाप रहे हैं, ग्रामरे छाप रहे हैं। ये वो मुल्क है जहाँ पब्लिशर हाजमे की दुआ खाता है और मुसन्निफ पैसे ना मिलने का गम खाता है। अब ऐसी भी बात है बीबी? ऐसी ही बात है, बल्कि वैसी भी है। तो वाकई मुझे कुछ नहीं मिलेगा? नहीं नहीं, आपको किताबें मिलेंगी और वो आप अपने दोस्तों को गिफ्ट कीजिएगा, और आपकी वो दोस्त वो किताबें अपने कमरों के पर्दों से मैच करके बुक शेल्फ में सजाएंगी।
फिर तो लिखने वालों के साथ बहुत ज्यादती हो रही है। पब्लिशरों की भी तो सुने कभी, वो हिम्मत करके किताबें छाप तो रहे हैं लेकिन यहाँ किताब पढ़ने का रवाज ही नहीं है। लोग हजारों का खाना खा के हाथ झाड़ के उठ के चले जाते हैं लेकिन 50 रुपए की किताब खरीदने से पहले 50,000 मरतबा सोचते हैं। हमारे यहाँ लाइब्रेरियाँ खत्म होती जा रही हैं। हमारे यहाँ ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस पे लाइब्रेरी ना हो। इवन के हमारे यहाँ मोबाइल लाइब्रेरियाँ भी हैं। वहाँ बैठ के लोग मोबाइल पे बात करते हैं। हुसैन, सीरियस बात हो रही है भाई। ये कॉलेजों और स्कूलों की लाइब्रेरियों की वजह से ये नाशरों का काम चल रहा है। वो जितने भी किताब छापते हैं इन लाइब्रेरियों में दफन हो जाती है। तो फिर मैं खुद क्यों ना छापूं अपनी किताब? ओहो, हिसाब किताब के इस दौर में आप किताब के चक्रों में पड़ गई हैं। हमारे यहाँ गटर का ढकना चोरी हो जाता है लेकिन किताब को कोई हाथ नहीं लगाता। बहुत हैरान कन बातें हैं ये। जिन किताबों को छुपाना चाहिए वो छापी जा रही हैं और जिन किताबों को छापना चाहिए वो छुपाई जा रही हैं। That's sad. That's very sad. We'll be right back.